गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ ड्राइड फ्रूट्स. सो नाउ लेट स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. ड्राइड फ्रूट्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स. देखो जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं वो प्रोटीन्स के और मिनरल्स के ना रिच सोर्सेज माने जाते हैं. वी शुड इंक्लूड एटलीस्ट अ हैंडफुल ऑफ ड्राइड फ्रूट्स इन आवर डेली डाइट. हमें ना अपनी डेली डाइट में कुछ मात्रा जो है वो ड्राइड फ्रूट्स की जो है इंक्लूड करनी चाहिए. इंक्लूडिंग ड्राई फ्रूट्स इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन एड्स देयर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर हम जो है अपने बच्चों की डेली रूटीन में जो है ड्राइड फ्रूट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं, मींस कि उनको डेली लाइफ में ड्राइड फ्रूट्स की अच्छी मात्रा देते हैं, तो ना उनकी क्या होगा, उनको उससे क्या बेनिफिट होगा, उनकी ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी. ओके. एलिमेंट्स. एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? बादाम. एलिमेंट्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैट्स अपार्ट फ्रॉम हैविंग विटामिन B1, आयरन, फास्फोरस एंड कॉपर. देखो बच्चों, बादाम में विटामिन B1, आयरन, फास्फोरस और कॉपर होने के अलावा अनसैचुरेटेड फैट मींस कि असंतृप्त जो होती है वसा भी होती है. हेल्थ बेनिफिट इससे, मतलब हमारी हेल्थ को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. प्रिवेंट हर्ट प्रॉब्लम. ये जो है हर्ट की प्रॉब्लम्स जैसे हो जाती है उसको जो है वो रोकता है अगर हम एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो. प्रोटेक्ट एटरी वॉल्स फ्रॉम डैमेज. हमारी मतलब धमनी की दीवारों को क्या करता है, डैमेज होने से रोकता है. मींस कि ना एटरी, क्या एटरी का मीनिंग क्या होता है, इसमें ना मतलब हमारे हर्ट से ना कुछ ट्यूब्स जाती है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, एटरी वॉल्स कहा जाता है. तो ये क्या करती है, एटरी वॉल्स को डैमेज होने से बचाता है. बिल्ड अप बोन्स एंड टीथ और बोन्स को बनाए रखता है. मेंटेन ब्लड शुगर, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है. एंड इंसुलिन लेवल. इंसुलिन लेवल का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मतलब मेंटेन करके रखता है, उसकी कमी नहीं होने देता. बूस्ट ब्रेन फंक्शनिंग. हमारे जो ब्रेन में फंक्शंस होते हैं, वर्क होते हैं, उसको भी ये क्या करता है, बूस्ट करके रखता है. न्यूरिशिज नर्वस सिस्टम. इसका मीनिंग क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखता है. मेंटेन इम्यूनिटी पावर. हमारी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करके रखता है. सॉफ्टन स्किन एंड हेयर. हमारे स्किन को, हमारे हेयर को सॉफ्ट करके रखता है. इम्प्रूव बॉडी स्टैमिना. हमारे बॉडी के स्टैमिना को इम्प्रूव करके रखता है. मेंटेन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेल्थ. इसका मीनिंग क्या होता है, हमें ना ये क्या करता है, शरीर को स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, मतलब शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखता है. मींस कि हमारी शरीर में जो डिसीजेज हो जाती है उससे हमें ये बचा के रखता है. प्रिवेंट एटरी मींस कि हमारी धमनी को क्या करता है, रोकता है, उसकी रक्षा करता है. प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना, मींस कि हमारी धमनी को रोकता है. इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, सूजन. रिड्यूस रिस्क ऑफ स्टोन फॉर्मेशन. देखो बच्चों, आपको पता ही होगा कि हमारी ना बॉडी में स्टोन की फॉर्मेशन होती है, पथरी हो जाती है, तो वो इस रिस्क को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है. पावर हाउस ऑफ प्रोटीन. और ये क्या कह रहे हैं, प्रोटीन की मतलब प्रोटीन की मात्रा को भी बनाए रखता है. ओके. नेक्स्ट वन इज़ कैश्यूज का मीनिंग क्या होता है, काजू. दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर कंटेंट. इसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होते हैं. हेल्थ बेनिफिट. अब इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रिवेंट कैंसर एंड हार्ट डिसीज़. बच्चों ये क्या करता है, कैंसर को और जो हमारी बॉडी में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बीमारियाँ होती है, उसको मतलब कि बचा के रखता है, होने नहीं देता ये हमारी बॉडी में ऐसी डिसीजेस. लोअर हाई ब्लड प्रेशर. उच्च रक्तचाप को कम करता है. हेल्प हेयर, हमारे हेयर्स के लिए हेल्प करता है. हेल्थी बोन्स, हमारी बोन्स को हेल्थी करके रखता है. नर्व्स को. प्रिवेंट गैल स्टोन्स मीन्स कि हमारे पित्ताशय में पथरी नहीं होने देता. हेल्प इन वेट लॉस, वेट को कम करने में मदद करता है. हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है. डाइजेशन का मीनिंग तो पता ही है कि हमारे शरीर में मतलब भोजन को अच्छे से पचाता है. एक्ट एज एंटी ऑक्सीडेंट. इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स कि हमारी बॉडी में जो बीमारियां हो जाती हैं हमें उससे बचा के रखता है. हाई ऑन विटामिंस देता है. गिव हेल्थी गम्स एंड टीथ, हमें हेल्थी मसूड़े और दांत देता है. एलिमिनेट फ्रॉम रेडिकल्स. रेडिकल्स का मीनिंग भी जैसे कि जो हम डायरिया, जैसे हमारे शरीर में बीमारियाँ होती है उसको जो है कम करता है, एलिमिनेट करता है. प्रोटेक्ट फ्रॉम
मैकुलर डीजनरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, जैसे ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उनकी रेटिना में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब वैसी प्रॉब्लम्स को होने नहीं देता. ओके, नेक्स्ट वन इज़ वॉलनट्स. वॉलनट्स का मीनिंग क्या होता है, अखरोट. दिस इज़ द ओनली ड्राइड फ्रूट्स और नट डैट कंटेन द इसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड इज़ हाई इन द मोनो अनसेटुरेटेड फैटी एसिड्स और MUFA. इसका मीनिंग क्या है, दिस इज़ द ओनली ड्राइड फ्रूट. देखो ये एक ऐसा ड्राइड फ्रूट है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें आवश्यक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और मोनो अनसेटुरेटेड मीन्स कि असंतृप्त जो है फैट एसिड होता है, जिसको हम ना MUFA भी कह सकते हैं. ओके, हेल्थ बेनिफिट. अब इससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, रिच सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिशंस, मतलब इसमें जितने भी हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है. स्ट्रेटन बॉडी, हमारी बॉडी को मतलब कि क्या करके रखता है, हमारी बॉडी को ये मजबूत करके रखता है. मेंटेन कोलेस्ट्रोल लेवल, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रोल लेवल को मेंटेन करके रखता है. रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर के जोखिम से भी हम बच जाते हैं, मतलब हमें कैंसर नहीं होने देता ये. रेगुलराइज बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन, जो हमारी बॉडी में डेली मतलब हमारे अंगों में कुछ भी कार्य होते हैं वो बना के रखता है, मतलब डेली इसी के बेस पे हमारी बॉडी में अच्छे से वर्क हो पाता है. लोअर रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, कोरोनरी धमनी रोगों के जोखिम को भी ये क्या करता है, कम करता है. रिच सोर्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स, ये जो है फाइटोकेमिकल्स को का समृद्ध स्रोत माना जाता है. मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारी बोन्स को हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. इंड्यूस बेटर स्लीप, हमें मतलब कि अच्छी स्लीप देता है, हमारे को अच्छी नींद आती है इसकी मदद से. रिड्यूस रिस्क ऑफ फैट डिपोजिशन, इसका मीनिंग क्या होता है, फैट डिपोजिशन के रिस्क को क्या करता है, रिड्यूस करता है. इम्प्रूव्स मेमोरी पावर, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करके रखता है. मेक हेयर स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बना के रखता है. प्रोवाइड ग्लो टू स्किन, इससे हमारी स्किन में क्या होती आती है, ग्लो आती है. इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको इम्प्रूव करके रखता है. नेक्स्ट वन इज़ रीसिन्स, इसका मीनिंग क्या होता है, किशमिश. रीसिन्स आर नथिंग बट ड्राइड ग्रेप्स विच कैन बी ऑफ ग्रीन और ब्लैक वेराइटी. दे आर हाई इन शुगर कंटेंट एंड आर वेरी बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग डिसीजेस. किशमिश और कुछ नहीं बल्कि सूखे अंगूर होते हैं जो कि ग्रीन और ब्लैक कलर के होते हैं. दे आर हाई इन शुगर, इसमें मतलब कि शुगर का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड आर वेरी बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग डिसीजेज, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत मतलब हमारी बॉडी में बीमारियों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है, लाभदायक माना जाता है. हेल्थ बेनिफिट्स, इससे क्या हमारी बॉडी में मतलब क्या हमारी हेल्थ में बेनिफिट्स होते हैं. हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है. रिड्यूस एसिडिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है. हेल्प अगेंस्ट अनीमिया, अनीमिया से हमारी हेल्प करता है, मींस कि हमें ये नहीं होने देता. हेल्प प्रिवेंट कैंसर, कैंसर को रोकता है. हेल्प ट्रीट इन्फेक्शंस को रोकता है. इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके रखता है. इम्प्रूव द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है. एंड प्रिवेंट सैगिंग, और ये क्या करता है, जैसे कि किसी किसी की बॉडी में ढीलापन आ जाता है उसको रोकता है, मतलब कि बॉडी में ढीलापन नहीं आने देता. कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज़ गुड फॉर बोन हेल्थ, इसमें ना मतलब कैल्शियम जो है अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. मीन्स कि इसमें ना कैल्शियम जो है वो गुड अमाउंट में होता है. ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.